हेलो स्टूडेंट्स, जो प्रैक्टिसेस थी जो वहाँ पे टर्म यूज की थी हमने उनको तो कर लिया था। आज हम करेंगे एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यानी जो हम खेत में खाद डालते हैं उससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। देखो, इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल, मिट्टी के अंदर जो पानी को संभाले रखने की क्षमता है ये उसको बढ़ाता है। यानी खाद डालने से खेत के अंदर जो मिट्टी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है मिट्टी की, वो बढ़ जाती है। आगे देखो, इट मेक्स द सोयल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, यानी मिट्टी के अंदर नमी बनेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, गैसों का जो आदान प्रदान है वो आसानी से हो सकेगा। उसके बाद देखो, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, फ्रेंडली मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाएगा। जैसे कि केंचुए होते हैं जो किसान के मित्र बोले जाते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाएगा। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोयल, इसके अलावा मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसको पूरा करने में भी ये सहायता करेंगे। ये तो था हमारा मैन्योर। अब हम क्वेश्चन करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस, इनमें अंतर क्या होता है, तो वो देखें। सबसे पहले फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो देखो, फर्टिलाइजर्स तो होते हैं हमारे उर्वरक और मैन्योर होते हैं हमारे खाद। तो देखो, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट, ये क्या है, अजैविक लवण है, अजैविक साल्ट है। देखो, इट इज एन ऑर्गेनिक साल्ट और ये क्या है, जैविक। उसके बाद देखो, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इसको कारखानों में बनाया जाएगा। इट कैन प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और इसको कहाँ पर तैयार किया जाता है, खेत के अंदर। इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोयल, यह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता। ह्यूमस क्या होते हैं, जो जीव जंतु पहले मर गए थे उनके गलने सड़ने के बाद जो मिट्टी मिलते हैं तो उनसे ह्यूमस तैयार होता है, जो सोयल के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। इट प्रोवाइड लोट ऑफ ह्यूमस टू द सोयल, जबकि मैन्योर के बारे में बात करें, ये मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस देते हैं। उसके बाद देखो, इट इज़ वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटासियम एंड फॉस्फोरस, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनके अंदर जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटासियम हो गया या फिर फॉस्फोरस हो गया। जो मैन्योर खाद के बारे में बात करें, इट इज़ लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, इनके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। इट काज सोयल पोल्यूशन, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी वजह से क्या है, मृदा प्रदूषित होती है, मृदा प्रदूषण होता है। इट डज नॉट काज सोयल प्रदूषण, सोयल पोल्यूशन, इनसे मृदा प्रदूषण नहीं होता। दे आर कॉस्टली, ये काफ़ी महंगे होते हैं। दे आर चीप, ये सस्ते होते हैं। चीप क्यों होंगे, सस्ते क्यों होंगे, जब इनको हम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। कैसे, जो बफेलो काउज वगैरह है उनका जो डक्स होता है, गोबर होता है, उससे मैन्योर को तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे घर पे वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उनके छिलके वगैरह गलने सड़ने के बाद खाद तैयार करते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज वगैरह में तैयार किया जाता है। जो स्टूडेंट्स विलेज से बिलोंग करते हैं उनको इस बात का पता भी होगा, घर वाले देखे उन्होंने कहते हुए भी यूरिया कट्टा लेके आए, खाद डालेंगे खेत में, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं, खाद होता है हमारा, जो गाय भैंस के गोबर से या सब्जी वगैरह के छिलके, फल वगैरह के छिलके से, गलने सड़ने से बनता है वो। तो आज हमने दो पॉइंट के, दोनों के दोनों जो हमारे पॉइंट है या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे तीन होते हैं, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर्स के बारे में, मैन्योर्स के बारे में, और तीसरा क्वेश्चन फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस। आशा करते वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।